वबरकातुहू। तकरीब का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे कुछ गुजारिशात भी करनी हैं। आज की तकरीब सफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम असनाद और दस्तारबंदी है। कहा जाता है कि इरादों का बड़ा किरदार होता है आमाल के साथ साथ, तो आपने इरादा पहला ये तो करना है कि आज आपने हमारी खातिर नहीं, अपनी खातिर नहीं, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर इस तकरीब में 1 बजे तक बैठने का इरादा सा करना है, ताकि इरादा अगर तवील हो, बड़ा हो, तो फिर जज्बा भी अल्लाह देता है, सब्र भी अल्लाह देता है। और इसी तरह नज़्म ज़ब्त का बहुत ख्याल रखना है आपने। हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं उनके साथ ताउन करना है, कम अज़ कम हमें यहाँ से ऐलान न करना पड़े कि आप खामोश हो जाइए। इस तरह आज के मेहमान इंतहाई अहम मेहमान शख्सियत हैं, उनका बयान इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, और बड़ी मुश्किल से हमने उनका वक्त लिया कीमती। आप उनके बयान को भी ज़रूर सुनिएगा, और इंशाल्लाह इस बयान के बाद बाकायदा जब दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और रिज़ल्ट अनाउंस होगा, और उसके बाद इख्तितामी दुआ की तरफ हम बढ़ेंगे। नई आने वाली ख़वातीन अभी जो बाद में आ रही हैं उनके लिए ऊपर दूसरे मंजिल पे भी जगह बनाई गई है, वहाँ स्क्रीन के ज़रिए वो इस तकरीब की कार्रवाई देख सकते हैं। जैसे ही तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा, परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस आपके सामने पेश की जाएगी, और आपने इंतहाई नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना है। एक और अनाउंसमेंट आपके सामने करनी है कि जब आप स्टेज पर शील्ड या सर्टिफिकेट वसूल करने आए, चाहे वो छोटे हों या बड़े, आपने सामने सीढ़ियों से आना है, और ज़रा नाजुक मिजाज है हमारी सीढ़ियाँ, तो ज़रा धीरे धीरे आइएगा, कदमों को उठाते हुए सोचिएगा। और यहाँ स्टेज पर आप आएंगे और स्टेज के बैक साइड भी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ रुख्सती की सीढ़ी है, यहाँ आने की सीढ़ी है। इस पर आप आएंगे स्टेज पर, और इसी तरह बैक की सीढ़ियों से आप वापस की तरफ जाएंगे। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं सुफा इंटेलेक्चुअल स्कूल के शोबे तहफीज के तालिब इल्म, शोबे तहफीज कुरान के तालिब इल्म मोहम्मद बिन मकसूद से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। मोहम्मद बिन मकसूद